में है, आप बाद में फोन कीजिए। उन्हें खबर कीजिए कि कैलाश नाथ राय उनसे बात करना चाहते हैं। सर आपको कौन नहीं जानता, मंत्री जी गृह मंत्री के साथ मीटिंग में है, मीटिंग खत्म होते ही मैं उनको सूचित कर दूंगा। थैंक यू जोसेफ, 8 बजे हम तब जाएंगे। हेलो, अब क्या परेशानी है? मेहता, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप अपना काम संभालिए, परमिशन लेना मेरा काम है। आई विल गेट दैट डन, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या? फोन। जब से तुमने मुझे पिकअप किया है फोन पर टेंपर लूज कर रहे हो, ऐसा पहले नहीं होता था। यू लुक टायर्ड, आई थिंक यू नीड टू रिलैक्स। मेरे पास वक्त नहीं है सिमी, जिस रफ्तार से मैं चलना चाहता हूं लोग मुझे चलने नहीं देते, सब मेरे खिलाफ है, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली, मेरे बेटे और ये सुरेंद्र भारद्वाज मेरा भैनोई, मेरे ट्रस्ट का लीगल एडवाइजर, वो भी मेरे बेटे राकेश का साथी बन गया है। ये लोग मेरी बातें समझते नहीं। कैलाश में ये सब जानती हूँ, मगर ये बातें हम कल भी कर सकते हैं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। जाना बहुत जरूरी है सिमी, जिस माहौल में मुझे दुश्मन ही दुश्मन दिखते हैं वहां सुभाष अवस्थी एक ऐसा शख्स है जिस पर मेरा पूरा भरोसा है, तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। कैलाश, ये दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही, मैं यही हूं, तुम यही हो और सुभाष भी यही है, मैं उसे कल मिलूंगी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो, आज तुम मुझे मना नहीं कर सकते। आज हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम अपने कमरे में जाओगे, रिलैक्स करोगे, फ्रेशन अप करोगे एंड आई विल फिक्स यू अ ड्रिंक। थैंक्स सिमा, यू आर एन एंजल। आशीष, राय साहब, वो सुरेंद्र भारद्वाज का फोन आया था। किस लिए? ये प्रोजेक्ट की जिस जमीन पर मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा था। क्या पूछा है उसने? यही कि उस जमीन पे मैं काम कैसे कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा? रिप्लाई क्या? सिंपल था, मैंने बता दिया मुझे ट्रस्ट ने ऑर्डर दिया, मैं काम कर रहा हूँ। गुड। लेकिन उन्होंने मुझे काम बंद करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में खुद राकेश राय यहाँ पे आके ट्रस्ट को संभालने वाले, तो ये ट्रस्ट आपके हाथों में नहीं रहेगा। सुरेंद्र भारद्वाज ट्रस्ट का एक मामूली मुलाजिम है, फजूल बातें कर रहा है, जो मैं कह रहा हूं वही करो, जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स। क्या हुआ? मैंने अपनी आस्तीन में कई सांपल रखे, उन्हें बहुत पहले दूर कर देना चाहिए था। कूल डाउन, ये सारी बातें हम कल कर सकते हैं, आज तुम सिर्फ मेरे पास मिलने रहोगे। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। थैंक यू। इस ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब है। बहाने
दूसरी ट्रेन चाहिए तो मांग, मैं ले आऊंगी। बस एक ट्रेन से कांच ले आना। तुम नहीं सुधरोगे। Now what? देखिए राय साहब, आपका ये प्रोजेक्ट मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ। मुझे उसमें दिलचस्पी तब तक रहेगी जब तक मेरा फायदा हो रहा है। मैं ये प्रोजेक्ट किसी के फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। Well, that is your lookout. लेकिन राय साहब, अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्टमेंट की है, मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो सुरेंद्र भारद्वाज के कहने से मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, मेरे होते हुए तुम्हें और क्या गारंटी चाहिए? पहले आप अपने फैमिली के झगड़े सुलझ जाइए, तब जाके आगे काम शुरू। ठीक है, तुम नहीं तो और सही। No one is indispensable. इंडिया में बिल्डरों की कोई कमी नहीं है। तबाह हो जाओ। जोसेफ? जी मैम साहब। तुम जा सकते हो, साहब अब क्लब नहीं जाएंगे। साहब ने कहा है? मैं कह रही हूँ, उन्हें आराम की जरूरत है, मैं उन्हें समझा दूंगी। ललित मेहरा, सिमी, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? What? My God, listen, you take it easy, okay? मैं अभी निकलता हूं। कैलाशनाथ के फैमिली में किसी को जानती हो? सिर्फ सुरेंद्र भारद्वाज को। तो मेरे ख्याल से तुम उसे फोन करो, आफ्टर ऑल वो उसका बहनोई है। मैं सजेस्ट यू डोंट डिले, तुम जितनी देर लगाओगी मामला और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। पुलिस तो नहीं आएगी? वेल, डिपेंड्स ऑन व्हाट सुरेंद्र भारद्वाज प्लान्स टू डू। शायद कैलाशनाथ की बॉडी एस्टेट ले जाए। हाँ, पुलिस को भी बुला सकता है। लेकिन तुम क्यों डर रही हो? नहीं, डर नहीं रही। I'm just insecure. You sure? Simi, you'll have to face this, you know that. लेकिन हकीकत अब ये है कि डेथ यहाँ ड्राइंग रूम में हुई है, राइट? मैं कह रहा था कि दुनिया में सब कुछ मेरे प्लेट हो सकता है। तुम्हारे केस में तो ऐसा है ही। That's right, it has been. मेरी जिंदगी शुरू से और ना जाने कहां तक will remain a big manipulation. Yeah.
हेलो, या दैट्स राइट, हुज दैट, कम ऑन स्पीक अप, कौन बोल रहा है? सिमी बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ, मिस सिमी, आज इस राजेश को याद करने की फुर्सत कहाँ से मिल गई आपको? अगर आप कैलाश जी को तलाश कर रही है तो वो मेरे पास नहीं। कैलाश अब नहीं रहे। कमल, कहाँ हुआ? यही बंगले पर कुछ देर पहले। तुमने किसी को, मेरा मतलब मदर, गई थी तो खबर की? लेकिन आप बताइए कैलाश नाथ की डेथ कैसे हुई? उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टॉप, स्टॉप, डोंट गो, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हेलो मैडम, क्या आप कैलाश नाथ जी के साथ थी जब उनकी डेथ हुई? लेकिन डेथ हुई कैसे? हेलो मैडम, क्या आप कैलाश नाथ जी के साथ थी जब उनकी डेथ हुई? लेकिन डेथ हुई कैसे? तुम कैलाश की इज्जत को नीलाम कर रही, प्रेस की नजरों से बच के रहो, और खबरदार जो प्रेस में कोई स्टेटमेंट दिया तो। समय आप यहां थे? शी इज अ मॉडल, कैलाश नाथ एक शौकीन आदमी थे। आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं और आप यहां क्या कर रही थी? मैं कैलाश नाथ को जानती थी। इसे पूछिए कि ये विलियो प्लीज शट अप, मैं सवाल आपसे नहीं इनसे पूछ रहा हूं। आप है कौन और यहां कैसे? ऑफिसर, आप मुझे जानते नहीं, मैं कैलाश नाथ का भलोई एडवोकेट सुरेंद्र भारद्वाज हूं, रॉयल स्टेट का लीगल एडवाइजर। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया था, मैं इस लड़की को कैलाश नाथ की मौत का जिम्मेदार ठहरा हूं। शी हैज कॉज्ड हिज डेथ। मिस्टर लीगल एडवाइजर, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, मुझे आपके जजमेंट की जरूरत नहीं। हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजेंगे, कॉज ऑफ डेथ बॉडी खुद बताएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? आर यू श्योर की डेथ ड्राइंग रूम में ही हुई है? एनीवे, जब तक तहकीकात चल रही है आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके? फूफा सुरेंद्र भारद्वाज। फूफा, ये कोई वक्त है फोन करने का? बेटा, हैव अ गुड रीजन। भाई, एक बुरी खबर है, तुम्हारे पिताश्री कैलाश नाथ चल बसे। अरे भाई, कहाँ हो तुम? जागो है? अरे, तुम्हारा भाग क्यों रहा है, हो गया है? कैलाश नाथ इज डेड। मैं स्टेट पहुंचता हूँ। राकेश, कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था? फूफा का फोन था, डैड का देहांत हो गया। आई एम सॉरी, व्हाट अबाउट मी? तो कनिता, लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी
स्टेट है, बाकी सारी चीजें बाद में। सारी चीजें? तुमने गलत किया सुरेंद्र, तुम्हें पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। कैलाश को रात में ही स्टेट में ले आते, आज हम उसके मुताबिक सबको खबर कर देते। कैलाश परलोक सिधार गए, उस लड़की का जिक्र भी नहीं आता। मगर मुझे पूरा शक है कि कैलाश जी की मौत में उस लड़की का हाथ है, उसे सजा मिलनी चाहिए। राय स्टेट के कुछ उसूल है, यहाँ मौत का तमाशा नहीं बनाया जाता। मौत चाहे कैसी भी हो, उसका सम्मान किया जाता है। और तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से कैलाश का नाम उस लड़की के साथ जोड़ा गया है। हमने तो तुम्हें पूरी इजाजत दी है, उस लड़की को करोड़ दो करोड़ देकर उसे खामोश कर देते। कम से कम खानदान का नाम तो खराब न होता। उस लड़की की उम्र क्या है? यही करीब 26 साल मैडम। राकेश को खबर कर दो, उसका आना जरूरी है। जी। वो कैलाश का बड़ा लड़का है, चिता को वही आग देगा। दिलीप को भी खबर कर दो। जी। यश तुम वैशाली को खबर कर दो। जी। तुम खुद जाकर खबर कर दो, वैशाली को संभालने की जरूरत पड़ेगी। जी। अब कैलाश की दुर्गति मत करा, उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन मदर, अगर उस लड़की ने कैलाश जी को जहर देके मारा हो, वो बात भी तो साफ होनी चाहिए। उसका मुंह बंद करने का यही रास्ता है। उसके साथ सौदा करो, आजादी के बदले उसकी खामोशी खरीद लो। हाँ फूफा, कोई नई खबर? करण बेटा, तुम्हारा स्टेट वापस लौटने का वक्त आ गया है। कैलाश जी का देहांत हो गया है। कब? कल रात करीब 10 बजे। और आप मुझे आगे कहाँ? बेटा वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अगर मदर को भनक भी लगी ना कि मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा इस बात में अच्छा किया नहीं बेटा। मदर ने साफ लफ्जों में कहा है कि बड़ा बेटा राकेश अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तुम्हारा बेटा कुछ जिक्र भी नहीं किया है। मैं इस दिन का इंतजार तब से कर रहा था जब से मुझे स्टेट से बाहर निकाला गया था। घर छोड़िए, इस अंतिम संस्कार के लिए। अब ये बताइए, डैड की वसीयत कब खोली जाएगी? जब मदर चाहेंगी। यहाँ तो अब भी उनका राज है। उस वक्त मैं भी वहां रहना चाहता हूँ। लिसन पापा, इट्स माय राइट। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मदर के कहने पर कैलाश ने अपने सन 1990 वाली फिल्म चेंज की है और उसने खुद अपनी आंखों के सामने कहीं से दूसरी फिल्म बनवाई है। तो मुझे तो शक है कि उसमें तुम्हारा जिक्र भी होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। हेलो, तो क्या